करना चाहता हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या है जिसके वजह से हमें रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिलते हैं। तो ये सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनाने के पीछे हमारा जो मोटो था वो था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो हाल ही दिनों मतलब लगभग 20-25 सालों से हमारे जिंदगी में आया है। जैसे हम कहते हैं शिथिलता, सेक्सुअल ऑर्गन में उतनी स्ट्रेंथ ना रहना, ठीक है, ये हमारे नहीं पूरे ग्लोब का एक 75-80% पीपल का पॉपुलेशन के अंदर का जो मेल है उनका ये एक ड्रॉबैक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे मेडिसिन हमें मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल एलोपैथी में भी बहुत सारे मेडिसिन हैं, मगर आपने ये भी सुना होगा एलोपैथी मेडिसिन जब हम यूटिलाइज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। उसी ड्रॉबैक के ऊपर हमने यूटिलाइज करेगा एक प्रोडक्ट बनाया जिसके लिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ी और उस 4 इंग्रेडिएंट के वजह से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर। माने आपके सेक्सुअल ऑर्गन में जितनी जान होनी चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ मिलना, आपके बॉडी के पार्ट का दूसरे वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो कम करके उस ऑर्गन को ब्लड फ्लो ज़्यादा देना, ऐसा एलोपैथी इंडस्ट्री में हुआ। एलोपैथी मेडिसिन से यह होता है कि आपके बॉडी में जहां पर भी ब्लड फ्लो ज्यादा लगता है वहां से थोड़ा सा कम करना और आपके सेक्सुअल ऑर्गन को ब्लड फ्लो ज्यादा देना। इसके वजह से पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, बॉडी की हीट ज्यादा बढ़ती है और सबसे लास्ट कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज अ हार्ट अटैक। एलोपैथी से यह होता है, मगर हमारे प्रोडक्ट से भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। कैसे आते हैं? तो जैसे ही नेचुरल एक्साइटमेंट लेवल आपकी होती है, जो पल्स रेट आपको उस वक्त होता है ऑलमोस्ट 90-100 के बीच में रहता है आपका पल्स रेट, वही पल्स रेट मेंटेन रहेगा। नेचुरल एक्साइटमेंट के बाद आपके बॉडी का टेम्परेचर जितना बनता है उतना ही टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है, इसके लिए बॉडी में ज्यादा हीट जनरेशन नहीं होता है, पल्स रेट भी नहीं बढ़ता है, तो कार्डियक अरेस्ट की चांसेस तो निग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमने जब बनाया तो इसके अंदर हमने एक्सट्रैक्शन यूटिलाइज किया। सभी लोगों को पता है कि हल्दी टर्मरिक किसी भी घाव के ऊपर जख्म के ऊपर लगा दो तो वो कम करती है, मगर हमने एक जख्म को हल्दी लगा दी तो वो 8 घंटे में जख्म ठीक होती है, वुंड हील होता है, मगर उसी जख्म पे अगर हमने कुरकुमिन लगा दिया तो हीलिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? तो टर्मरिक के अंदर बायो एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड दैट इज कुरकुमिन, तो हमने हर इंग्रेडिएंट में जो एक्टिव कंपाउंड होता है उसे यूटिलाइज किया और उसका फॉर्मुलेशन करके ये प्रोडक्ट बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो रिजल्ट बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मिलेंगे एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। हम सबको यही पता है कि आयुर्वेदिक का जो इलाज है वो तो रूट से निकालता है मगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, मगर हमने क्या किया उसका एक्सट्रैक्ट यूटिलाइज करने की वजह से वो तो रूट से ही निकालेगा मगर जो टाइम कंज्यूम है वो बहुत कम हो जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर और एक टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की विद द हेल्प ऑफ RHOD जिनका नैनो बायोटेक्नोलॉजी में उनके PhD है। नैनो टेक्नोलॉजी का हमने इसके अंदर यूटिलाइज किया। अभी ये समझाता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। हम अगर मान के चले कि हमारे बॉडी में एक सेल है, पानी जब भी हम पीते हैं तो 15-20 मिनट लगता है हमारे पूरे सेल के अंदर जाने के लिए, हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड बनने के लिए, करेक्ट 15 मिनट तो लगते हैं। ये क्यों होता है? हमारे पानी का जो एक ड्रॉप है वो बहुत बड़ा है, आँखों से दिखता है, हमारी सेल हमारे आँखों से नहीं दिखती, इसका मतलब वो एक बूंद से भी बहुत छोटी है। तो अब हम मान के चलें कि हमारे एक सेल है उसके ऊपर इतना बड़ा पानी का बूंद अगर रहेगा तो उस बूंद को उस ड्रॉप को सेल के अंदर जाने के लिए टाइम तो लगेगा, मगर नैनो टेक्नोलॉजी हमने यूटिलाइज किया उसका, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एक ड्रॉप को हमने 1000 बार डिवाइड किया, तभी क्या हुआ वो इतना बार डिवाइड हो चुका है कि अब सेल का जो एक्वापोरिन है वो उस ड्रॉप से भी बड़ा हो गया। तो अभी एट द सेम टाइम बहुत सारे उसके नैनो टेक्नोलॉजी के ड्रॉप सेल के अंदर चले जाएंगे, तो हमारे बॉडी में हाइड्रेटिंग का जो परसेंटेज पहले था 15 मिनट के बाद जो होता था वो अभी 5 मिनट से भी कम टाइम में होता है, ठीक है। तो हमने हमारे पूरे इंग्रेडिएंट को नैनो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फॉर्मुलेट किया। तो अभी सबसे पहला मोटो तो था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर काम करता है, इसे छोड़ते हुए बहुत सारे अनगिनत डिसीज के ऊपर, डिसऑर्डर के ऊपर ये काम करता है। तो इसके लिए हमने अलग अलग इंग्रेडिएंट यूटिलाइज किए, ऐसे इंग्रेडिएंट जो हम परंपरा से खाते हुए हैं, दालचीनी हो, इलायची हो, तरबूज हो, खजूर हो, बादाम हो, गोखरू हो, गुड़वेल हो, गिलोय हनी हो, मध, तो ये सब चीज़ें हम परंपरा से खाते आए हैं, इसके लिए हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन करने के लिए इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में डिफरेंस क्या क्या आता है, जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज फ्री रेडिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है।
तो ये कॉन्सेंट्रेशन जितना हमारे बॉडी में रहेगा उतनी हमारी बॉडी डैमेज कंडीशन में रहती है। अगर मान के चले कि एप्पल को कट करके रखें तो 10 मिनट में वो लाल होता है, एक घंटे बाद तो सड़ना शुरू होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमेशा होती रहती है। तो इसे निकालने के लिए एक ही चीज है, दैट इज एंटी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन को रोकने का एंटी ऑक्सीडेंट। तो पहले के जमाने में बोला जाता था कि एक एप्पल अगर आज डेली खाते हो तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, बिकॉज एप्पल के अंदर फेरस दैट इज आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सभी फ्रूट्स से ज्यादा है। सब्जियों की बात करें तो स्पिनच पालक के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, मगर आज के डेट में पेस्टिसाइड्स का इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन हुआ है कि हम उनके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेबल आज नहीं रहते। तो हमारे प्रोडक्ट में लगभग 38 इंग्रेडिएंट है, 38 इंग्रेडिएंट्स है। आउट ऑफ दिस 38 इंग्रेडिएंट, 30 इंग्रेडिएंट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि जैसे ही आप ये प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हो 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बॉडी में जितना भी फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है हर सेल में उसे एंटीऑक्सीडेंट कैप्चर करता है, उसकी इफेक्ट उसकी टॉक्सिसिटी को जीरो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी जो पहले 50% डैमेज्ड कंडीशन में थी वो अभी फ्री हो गई। तो इसे चलते हुए 15 से 20 मिनट के हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वह बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे से बनता है। तो 15 मिनट आधे घंटे एक घंटे बाद पता लगा हमारे बॉडी में एनर्जी आ रही है, एनर्जी आई नहीं, एनर्जी पहले थी जो दबी हुई थी 50%, वो अभी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से एलिवेट हो गई। ठीक है, तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में इतने अच्छे से होता है कि आपको लगेगा कि हमने कोई ड्रग या स्टेरॉइड लिया है। ठीक है, हमारे बॉडी की एक सेल्फ कैपेसिटी है। तो ये तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा हमारे बॉडी में ये ऐसे ऐसे ऑर्गन्स के ऊपर काम करता है जिनको छोड़ते हम जी नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी हैं, अल्जाइमर हो, पार्किंसन हो, पैरालिसिस हो, जहां जहां पर भी हमारे ब्रेन का हमारे बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, उन सभी डिसीजेस डिसऑर्डर के ऊपर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। एलोपैथी इंडस्ट्री में पार्किंसन के ऊपर किसी भी तरीके का मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, मगर अपने प्रोडक्ट से पार्किंसन के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। क्यों, तो मेरे ससुर जी को पार्किंसन डिसीज है और लगभग 15-20 दिन एक महीने से हमने उनको एक प्रोडक्ट दिया है, तो उनका राइट लेग थोड़ा सा हिलना कम हुआ है, वो आज बहुत खुश है। उनका राइट हैंड भी हिलता था, उनको खाने में दिक्कत आती थी, तो आज वो खाना भी ठीक से खा पा रहे हैं। उनको जो दमा लगता था थोड़ा चलने के बाद झुक के चला करते थे, आज एकदम सीना चौड़ा करके चलते हैं। तो ये सारे रिजल्ट हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर मिले हैं। इसे छोड़ते हुए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। डायबिटिक पेशेंट के पैरों को या हाथों को अगर डैमेज हो जाएगा तो वो खून का बहाव जल्दी बंद नहीं होगा, तो उनकी हीलिंग कैपेसिटी जल्दी नहीं है उभर के आती। प्रोडक्ट यूटिलाइज करने के बाद हीलिंग कैपेसिटी भी उनकी बहुत अच्छे से बढ़ती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, हाइयर डायबिटीज की वजह से विजन लॉस होना, सेंस लॉस होना, इसके ऊपर भी हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। विदिन ए वीक 80-90% रिकवरी के भी टेस्टिमोनी हमारे पास प्रेजेंट है। खून के अंदर अगर क्लॉट्स जमा होते हो तो वो भी अपने प्रोडक्ट से निकल जाते हैं। अगर खून गाढ़ा है तो पतले होने में भी ये अपना प्रोडक्ट काम करता है। उसके अलावा डाइजेशन, आज के डेट में अगर बात करें तो डाइजेशन का प्रॉब्लम 99% पर्सन को है, क्योंकि तो हमारा खाने पीने का तरीका ऐसा है टाइम पे नहीं है, और जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स या फिर उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो आज की डेट में जो हमने मेरा जो एक्सपर्टी सब्जेक्ट है वह फार्मास्यूटिकल बायोटेक और मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो हम उस सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और डाइजेशन की कैपेसिटी आज की डेट में सिर्फ 35% है, सिर्फ 35%। तो आप चाहे कुछ भी चीज़ खा रहे हो तो सिर्फ 35% आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, रिमेनिंग बाहर फेंकती जाती है। और ऐसी अगर चीज़ है, ड्रग हो, स्टेरॉइड हो, एलोपैथिक हो, तो हमारे बॉडी में वो 20% एज इट इज एक्यूमुलेट होती है, और इसी की वजह से हम बोलते हैं कि एलोपैथी का हमारे बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है, कि तो 100% बॉडी के बाहर फेंका नहीं जाता। तो हमारा प्रोडक्ट यानी अपना प्रोडक्ट जब हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अप टू 85% बढ़ती है, और इसके रिजल्ट हमें 1-2 दिन में ही पता चल गए। बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, इसका मतलब डिटॉक्सिफिकेशन भी हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से होता है। इसे छोड़ते हुए मैं थायराइड दैट इज T3 T4 हार्मोन्स के ऊपर भी हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है, थायराइड भी कम होने के चांसेस इसके अंदर है। L5 L4 L6 बैकबोन के प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर भी अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। जितने भी टाइप के आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है, जॉइंट पेंस का तकलीफ हो, बोन की तकलीफ हो, माइग्रेशन हो, उसके ऊपर भी प्रोडक्ट अच्छा काम करता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे हमारी हड्डियाँ एक दूसरे को घसने के बाद कम होती है, वहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है।
बहुत लोगों का कहने या फिर सोचने का तरीका ऐसा है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे बोन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ऐसा अगर है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियाँ बहुत कमजोर होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बोन से ज्यादा हमारे ब्रेन में जरूरी है, दैट इज न्यूरॉन्स में। आप सोते हो, सोने के बाद अगर मच्छर काटे तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां जाता है सेकंडों में, एक घंटे दो घंटे में नहीं, विद इन सेकंड्स। तो इसका मतलब हमारे न्यूरॉन्स उतने ज्यादा काम करते हैं हमारे बॉडी में। तो ये एक्शन पोटेंशियल का काम करने के लिए पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और ये तीनों चीज हमारे प्रोडक्ट में बहुत अच्छे तरीके से हमने यूटिलाइज की है। फॉर एग्जाम्पल गोखरू, जिसके अंदर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्लांट्स में जो गोंद आती है व्हाइट और येलो कलर की, पेल येलो कलर की, उसमें भी कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मैग्नीशियम हमारे प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा है, स्वीट आलमंड जिसके अंदर मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जैसे ही एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होती है तो एक सेल का डीएनए दूसरे सेल के अंदर जाता है, तो जब भी वो दूसरे सेल में जाता है तो थोड़ा सा डीएनए दोनों सेल के बीच में रहता है, और हमारे बॉडी में हर सेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बहुत ज्यादा है, एसिड कॉजिंग एंजाइम जो किसी भी चीज को डायरेक्टली कट करते हैं। तो उस डीएनए को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम लगता है, और आज की डेट में हमारे खाने पीने में कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम की मात्रा ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। और इसी के चलते हमारे अगर डीएनए का एनालिसिस हम करें, हमारे सीनियर प्रोफेसर ने डीएनए का एनालिसिस की थी पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, जैसा हम बोलते हैं कि कोई एक डिसीज हमारे दादा पता उसके बाद हमें आया, जनरेशन से जनरेशन पास होने वाले जो डिसीजेस है उनके ऊपर उनका प्रोजेक्ट वर्क था जर्मनी में, तो वहां पे उन्होंने बताया कि डीएनए की जो लेंथ पहले थी धीरे धीरे डीएनए की लेंथ छोटी होती जा रही है, जो डीएनए के एंड्स होते हैं जिसे हम टीलोमर कहते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में हम बोलते हैं कि हमारी एवरेज लाइफ 60 से 70 साल की आज की डेट में है, हमारा डीएनए ही वैसा बन गया है, तो रेडिएशन खाने पीने की चीजें से तो वो होगा। तो अपना प्रोडक्ट इन सभी चीजों के ऊपर बहुत असरदार तरीके से काम करता है, किसी भी किस्म का रिएक्शन अपने प्रोडक्ट से नहीं होता। क्यों? तो इसके अंदर हमने सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूटिलाइज किए हैं, या तो रिजल्ट आना चाहिए या तो नहीं आना चाहिए। इसके अलावा तीसरा